Wow, Beatriz! செட்டிநாடு பிரியாணினா வந்துட்டு நம்ம சைடுல மசாலா பிரியாணி பண்ணி சும்மா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிடுறோம். नमस्ते, मैं हूं शेफ पंकज और शेफ पंकज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो आज आप जैसा देख सकते हैं कुछ तो नया लेके आए आपके लिए। एक चेन्नई एंड तमिलनाडु रीजन में देयर इज अ चेट्टिनाडु क्यूजीन, काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट चेट्टिनाडु क्यूजीन जो है वर्ल्ड फेमस हुआ है। सो उस चेट्टिनाडु क्यूजीन से जो बिरयानी कॉन्सेप्चुअल है काफ़ी अच्छे टेस्ट है, बेहतरीन टेस्ट है। सो आज आपके लिए स्पेशल बिरयानी है, तो आज बना रहे हैं चेट्टिनाडु चिकन बिरयानी। अलमा डोलमा उठा लकड़ी पारुमा शेफ पंगच शेफ शेफ वनको वनको वनको। He is my very good friend, money, magic money. Magic money. He is fantastic doing a YouTube channel, so you can follow him. He is one of the made a great invention dishes like काफी अच्छे अच्छे इन्वेंशन डिशेस। काफी काफी काले कुछ टी दा इन सायंत्र कुडिनो। ओके मनी, जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। इनी नहीं मालूम तमिल आता है तमिल तेलुगु तमिल यू तेलुगु तमिल। सो எல்லாருக்கும் வணக்கம், நான் தான் மேஜிக் மணி। என்னோட YouTube சேனலோட பேர் வந்து மேஜிக் மணி। இன்னைக்கு வந்து பாத்துக்கிங்கனா செப்ப பங்கஞ்சிக்கிறார் பாத்தீங்களா, அவர் வந்து பெச்சலா வந்து இன்னைக்கு செட்டிநாடு பிரியாணி பண்ணப்றாரு। ஸோ செட்டிநாடு பிரியாணினா வந்துட்டு நம்ம சைடில், அதனால தான் நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து மசாலா பிரியாணி பண்ணி சும்மா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்றோம். ஓகேவா செப்பு? சர்வீஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே ஸ்டார்ட், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। अब इसमें ड्राई रोस्ट 2 से 3 कार्डमम ले लेना है, 3 to 4 नंबर जो है लवंग ले लेना है। तो कितना पीस लेना है? 4 पीस। ओके 3 4 एंड स्मॉल साइज ऑफ पट्टा पट्टा दालचीनी। दालचीनी दिस इज कॉल्ड सिनेमम स्टिक्स। दालचीनी सिनेमम 30 सेकंड ऐसा ड्राई रोस्ट। ये रोस्ट हो गया मनी, रोस्ट हो गया हल्का इसको ऑफ कर देंगे, सारे मसाले के साथ ग्राइंड करेंगे। सो ये जो ड्राई रोस्ट मसाला है ड्राई, ठीक है। तो ये आप जैसा मिक्सी में देख सकते हैं कि ये ले लिए हैं। और इससे 2 इंची अदरक अदरक या yes. अदरक 1 इंच अदरक। सो अराउंड 8 to 10 पीस गार्लिक लहसुन 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 दिस इज माय फर्स्ट लहसुन। सो ये डाल देंगे, 2 पीस चिलीज डाल देंगे। ओके अब पुदीना ले लेंगे और धनिया ले लेंगे। दिस इज धनिया कोरिएंडर कोरिएंडर। सो यू हैव टू कोत्तमल्ली या यू हैव टू पोर लाइक दिस एंड पुदीना। तो पुदीना का जो मोटा स्टेम्स है उससे ओनली लीफ निकाल के पुदीना को भी ले लेंगे थोड़ा ऐसा डाल करके। ओके पूरा पुदीना का 1 बंचेस, धनिया का 1 बंचेस। ओके और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, पानी या थोड़ा वाटर डालेंगे बस। ओके अब इसको ग्राइंड करेंगे फाइन पेस्ट। सिर्फ सिर्फ यूजिंग कल उप्पु राल उप्पु स्टोन उप्पु। यस या एक्चुअली एक्चुअली माय फ्रेंड इज राइट। When you are making Chettinadu food, आप जब Chettinadu खाना बना रहे हैं तो every masala has to be hand grinded. Stone pressed. Yes. Correct. Yes. तो जमाना चेंज हो गया, मॉडर्नाइज्ड हो गया है, अब वो यूज नहीं करते हैं। सो वी विल यूज दिस। ओके ओके शेफ, यस रेडी यू आर Chettinadu मसाला। तो सबसे पहले थोड़ा सा चंचल इज योर गुड हार्ट। ओ गुड हार्ट, रेड हार्ट रेड हार्ट। तो थोड़ा ऑयल डालेंगे मनी।
थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा से ऑयल, ऑयल हाँ, तेल तेल रिफाइंड ऑयल और इसको ऑयल को स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा घी भी डालेंगे। ओके ओके, थोड़ा घी, दिस इज घी, घी नहीं। ओके, अब ये घी में थोड़ा गर्म होने देंगे ऐसा, ठीक है। ओके, सो अब दिस इज बे लीफ, तेज पत्ता, बिरयानी इलाई। ओके, ये है आपका स्टार एनिस। ओके, बिरयानी पू। ओके, मराठी मुग, करेक्ट, राइट, टू पीस, टू पीस मराठी मुग। ओके, एक वन पीस में डाल दिया, एक्स्ट्रा वन पीस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फ्लेवर हो जाएगा। yeah. इसको थोड़ा फ्राई कर देते हैं, है ना। सो ये हो गया, एंड टू पीस चिलीज, ग्रीन चिल्ली, पच मुलगा। ओके, थोड़ा चिली फ्राई होना। okay. उसके बाद हम लोग अनियन डालेंगे, मीडियम साइज अनियन है स्लाइस किया हुआ। तो ये ऑलमोस्ट आपका जब गरम मसाला थोड़ा रोस्ट हो जाए तो ये अनियन ऐसा फुल डाल देंगे। मनी, यू हैव टू स्टेयर इट। हाँ, स्टेयरिंग है। यस, प्याज है ऑलमोस्ट 60% कुक हो गया है, हल्का लाइट गोल्डन कलर, लाइट कलर, पिंकिश कलर आया है। सो नाउ वी कैन ऐड टर्मरिक, एक थोड़ा सा हल्दी, व्हाट इज दिस, मंजल। सो जस्ट हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून। सो दिस इज द रॉक सॉल्ट, ये रॉक सॉल्ट अच्छे कॉम्बिनेशन है चटीनाडु स्टाइल के लिए। रॉक सॉल्ट नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास रॉक सॉल्ट है तो इससे एक अच्छा टेस्ट आता है, एक ऑलमोस्ट वन, एंड अगेन सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सो इसमें इसमें चूंकि राइस भी कुक होएगा तो ये जो मसाले के लिए डाले हैं, अब इसमें राइस के लिए एक अनदर, सो राइस का भी सॉल्ट इसमें एडजस्ट हो जाएगा, है ना। கல்லுப்பு போட்டுக்கறாரு இந்த மசாலாக்கு ஏத்த கல்லுப்பு, மீதி அரிசி போடும்போது போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்றாரு, ரைட் அசெப்ட், கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். ஓகே, சோ நவ வி ஹேவ் டு ஆட் டொமேட்டோஸ் ஸ்லைஸ் किया हुआ है, तो इस तरह से ऐसा डाल देंगे, ठीक है। मिक्स इट वेल, मिक्स इट वेल, मिक्स इट वेल, मिक्स इट, मिक्स इट वेल। टोमेटोज को सब कट है तो यू करेक्ट, यू कैन जस्ट ब्रेक इट सो दैट इट विल कम इन टू डिफरेंट। ओके, चटीनाडु बिरयानी में टमाटर भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। करेक्ट, खुशबू पेस्ट, यस, खुशबू पेस्ट, या पूरा डाल दीजिए, डाल दीजिए இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுக்கணும் சொல்கிறாரு. ஸோ ஓகே, காஃபி ஃபுட்சுதன் கலர் போகியாக ஆர் செஃபே, அப்பப்போ காஃபி காஃபின்னு சொல்கிறேன், காஃபினா என்ன மீனிங் ஹிந்தியில், காஃபி மத்லப் வெரி நைஸ், ஓ காஃபினா வெரி நைஸா, காஃபினா நம்ம ஒரு கிளாஸ் அடிப்போம் அவ்வளோதான், காஃபி டே, காஃபி ஃபுட்சுதன். இது சிக்கன் ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் 700 கிராம் டி ஏ சிக்கன், ஸோ இது சிக்கன் ஐசா டாலேங்க பூரா और इसके साथ कुक करेंगे। यस, पानी को डाल दीजिए। ओके, डाल दीजिए, आ गया। और अब अच्छे से मिक्स कीजिए। बड़ा लैडल, छोटा लैडल, नहीं नहीं लैडल। ओके, खुशबू आ गया, अभी हिंदी सीख गया मनी। जितने भी सामान डाले हैं इसको एक 15 से 16 मिनट तक ऐसा इसको रोस्ट करेंगे, और ताकि क्या होगा कि चिकन का पूरा मसाला उस पर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और अंदर काफ़ी हर पीसेस में आपका वो मैरिनेशन चला जाएगा। पंद्रह मिनट हो गया है, चिकन हल्का, 15 मिनट है। ओके, सो अब इसमें गरम मसाला डालेंगे। ओके ओके, गरम मसाला पाउडर 2 teaspoon, okay? 2 teaspoon, okay? And ये है काश्मीरी चिल्ली पाउडर। Okay. Already इसमें ग्रीन चिल्ली डाला हुआ है, बाकी सब चिल्ली है, so okay. This is also 2 teaspoon. Teaspoon. Okay? काश्मीरी चिल्ली, बेड़गे चिल्ली, right? Yes, yes. Okay. And mix well. अब इसमें add करेंगे curd money. Okay. So this is curd is almost 200 gram. तो ये 200 gram curd है almost. Curd को ये सब beat कर देंगे money. So okay. Like this so that it will be smooth. तो बिफोर पोरिंग इट ऐसा करके बीट कर देना, नाइस।
अब इसमें थोड़ा पानी डालना है मम्मी। पानी? वाटर। हाउ मच क्वांटिटी? जस्ट 200। यस सेम क्वांटिटी। कर्ड का कितना डाले हैं उतना। 100 200। यस अब ये पानी भी इसमें डाल देंगे। अब नाइसली इसमें थोड़ा एक बॉईल होने देंगे। द मोमेंट ये बॉईल स्टार्ट हुआ है लिड नहीं थोड़ा सा इसको हाँ एक बार पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छा से ताकि पीसेस इवनली चारों ओर स्प्रेड हो जाए और ये मसाला के साथ कर्ड मिक्स हो जाए। तो एक बार जब बॉइलिंग पे आ गया बॉइलिंग टेम्परेचर पे उसके बाद सोक्ड राइस जो है ये सोक्ड राइस है ऑलमोस्ट 45 मिनट सोक किया हुआ है। सोक करने से पहले 3 बार अच्छी तरह वॉश करनी ताकि जो भी स्टार्च लेवल है उसका निकल जाएगा और उसके बाद 45 मिनट सोक करना है। एक बार ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया तो ये चावल इसमें डालना है। नाउ यू कैन कवर ऐसा लिड डाल देना। 10 मिनट हो गया। 10 मिनट आ गया। हाँ अब इसको ओपन करो देखो पूरा बॉइलिंग है। वाव। अब राइस डालने का टाइम है इसमें सो ये सोक्ड राइस फुल इसमें डालना है। अभी पूरा राइस इस तरह से इसको चावल को ऐसा स्प्रेड कर देंगे चारों साइड से ठीक है। और चावल को ऊपर ही रहने देंगे ठीक है हल्का सा ऐसा स्प्रेड कर देंगे। हाँ थोड़ा पुदीना और धनिया डालेंगे சும்மா ஒரு கை போட்டு எடுக்கோ சும்மா வாசனை கும் கும்னு இருக்கும் ठीक है। ओके अब इसको लिड कवर करेंगे okay. जब तक चावल पक नहीं जाता। ओके स्लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम से या स्लो फ्लेम में एक बार चावल कुक हो गया है उसके बाद इसको इनडायरेक्ट फायर देंगे तवे पे रख करके एक 15 मिनट और करना है। तो ये अभी हाई फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं और बाद में जब तवे पे रखेंगे तो स्लो फ्लेम में करेंगे। सो आई थिंक डेफिनेटली आज जो मेरे तमिल व्यूअर्स हैं वो एंजॉय करेंगे बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड मनी। आज हम जितना हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं मेरा फ्रेंड पूरा तमिल में उसको ट्रांसलेट किए। सो थैंक यू मनी फॉर कमिंग एंड बिरयानी थैंक यू अभी बिरयानी खाना खाना हां बिरयानी डेफिनेटली ओके அதுக்குள்ள थैंक्स சொல்லிட்டு போன் சொல்றாரு போற இடத்துல பிரியாணி முடிஞ்ச உடனே சாப்பிட்டு சாமிய செஞ்சிட்டு போயிரறோம் ஓகேவா எஸ் ஓகே மணி 10 मिनट हो गया 10 நிமிஷம் முடிஞ்சிச்சு अब बिरयानी को ऐसा चेक करते हैं। वाह बिरयानी मुंजीची रेडी रेडी रेडी। एक 5 मिनट और रुको ये वाटर थोड़ा ड्राई हो जाएगा और स्लोली इसको ऐसा स्टेयर करेंगे ताकि नीचे लग नहीं गया है और इसको ऐसा स्लोली टर्न कर देंगे ठीक है। और इसके लिए चूंकि हांडी इतना गर्म है तो एक 5 मिनट इसको कुक करेंगे और उसके बाद इसको लिड डाल के 20 मिनट तवा पे नीचे तवा पे भी मतलब डायरेक्ट ऐसा चूंकि हांडी इतना गर्म है ना सो इसको कवर करके 20 मिनट्स दम में डाल देंगे तो पूरा चावल आपका कुक हो जाए। ओके सो वंस दिस स्टीम विल कम इसको स्विच ऑफ कर देंगे okay. और उसके बाद 20 मिनट्स वेट करेंगे तो मॉइस्चर ड्राई 5 मिनट्स एंड 20 मिनट्स 5 मिनट्स 25 मिनट्स बहुत दम ओके ओके आफ्टर 25 मिनट्स मजा आ गया। हिंदी में बोलते हैं अच्छा खाने के लिए सब्र का फल मीठा होता है। यू हैव टू वेट टू गेट गुड स्वीट्स। स्वीट कुछ पढ़ रही ला स्वीट इसमें नहीं है मतलब वो कहावत है इट्स अ प्रोवर्ब। बिरयानी मुझे क्या सीरी बाद से पढ़ा नो माई डियर फ्रेंड। तो मनी इज वेरी एक्साइटेड काफी एक्साइटेड है बिरयानी खाने के लिए। डेफिनेटली हम आप और मनी तीनों मिलके बैठ के बिरयानी खाएंगे। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए दम लगा हुआ गरम है 20 मिनट्स मुझे चाहिए 20 मिनट दम लग लिया है। वाओ बेहतरीन वाओ 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 वा, वा। ये बिरयानी बनते बनते मनी हिंदी सीख लिया सीख लिया। सो ये आपके लिए बिरयानी निकालूं मनी। Yes. ये बिरयानी एक ऐसा टेक्सचर है चट्टीनाडु बिरयानी में जूसी टेक्सचर तो ऑलवेज देयर विल बी वाटर कंटेंट इसमें रहेगा एक मॉइस्चर रहेगा काफी रिटेन और ये जो चावल के साथ पकता है इसका टेस्ट ही काफी खूबसूरत है। और ये अदर बिरयानी के जैसा नहीं कि चावल बिल्कुल अलग अलग होगा लेकिन ये ऐसा इस टाइप से बिरयानी दिस इज
हाउ चट्टीनाडू बिरयानी कम्स। तो ये पहला जो बिरयानी है मेरे फ्रेंड मनी के लिए, आराम से मनी, तो ये टेस्ट करके आपको बताएंगे बिरयानी कैसा है। कैसा है भाई? ओके, मतलब इनका खाने का मतलब है खाने के टाइम में बोलते नहीं है, सो पहले खा लेते हैं। रंग रंग सुपर बगुत 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 मजा आ गया। यस शेफ, एक्सेलेंट बिरयानी फॉर चेट्टीनाडु। हां थैंक यू सो मच। सो பாத்துக்கிங்களா? சோ फ्रेंड्स எனக்கு சப்போர்ட் பண்ற எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப் பங்கஜ் யூடியூப் சேனல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. செப் போல மை நேம், யூடியூப் நேம் மணி மேஜிக். எஸ் மேஜிக். சோ ஹி ஷோஸ் காஃபி மேஜிக் दिखाता है. ஹி ஹஸ் காட் டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் சேனல்ஸ், டிஃபரண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங். சோ ஹி இஸ் டுயிங் எக்ஸலென்ட் ஜாப். தேங்க் யூ வியூவர்ஸ், ஆல் தி பெஸ்ட். மணி தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் வியூவர்ஸ். சோ आप खाली खाना खाओगे थोड़ा? आप वो डांस किधर, आप दिखाए नहीं हमको। हवा हवाई हवा हवाई।